तो दोस्तों अब तक हमने ड्रैगन बॉल जी में देखा है जहाँ पर वेजिटा और गोकू मिलके बन चुके हैं वेजिटो, जो कि आखिरी उम्मीद बन चुके हैं इस अर्थ को बचाने के लिए और मांजिन बू को रोकने के लिए। अब ये जो मांजिन बू है जो हार नहीं मान रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि इन सेंस ने मिलके इसको इसकी औकात दिखा दी जहाँ वो अभी हार रहा है। अपने इस नए दुश्मन को देख नया बॉल क्रिएट करता है मांजिन बू, जो कि फेंक देता है सीधा ही वेजिटो के ऊपर, जिसको पकड़ कर वापिस ही उसी की तरफ फेंक देता है ये वेजिटो। जहाँ अब मांजिन बू को परखने के बाद वेजिटो ने ठान लिया है एक नए स्तर पर जाने के लिए, जहाँ वो उसके सामने जाता है और वो सुपर सैयन बन जाता है। तो अब क्या मांजिन बू इस सुपर सैयन को रोक सकेगा? जहाँ पर सुपर सैयन बनने के बाद वेजिटो कहता है कि मुझे बुलाओ सुपर वेजिटो, और अब मांजिन बू को गुस्सा आता है। और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। दोस्तों आपने अभी तक अगर इस पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा, जो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी। इधर अभी डेंडे ढूंढने के लिए निकला है मिस्टर सैटर्न और बी को, जहाँ बी आवाज देता है तो डेंडे उतरता है, जहाँ मिस्टर सैटर्न के सिर्फ शूज दिखते हैं, जहाँ डेंडे को लगता है कि वो जिंदा भी है या नहीं। जहाँ बी एक खाई की तरफ इशारा करता है, तभी डेंडे कहता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो नीचे होगा। जहाँ ये दोनों ही उस खाई के अंदर आवाज देते हैं कि मुझे सुन पा रहे हो मिस्टर सैटर्न, और बी चिल्ला रहा है। तभी हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ पर पत्थरों का ढेर होता है, वो हिलता है और उसमें से मिस्टर सैटर्न बाहर आते हैं। जहाँ डेंडे कहते हैं ओ तुम जिंदा हो, मिस्टर सैटर्न कहते हैं हाँ और क्या। जहाँ मिस्टर सैटर्न कहते हैं पर मैं बाल बाल बचा हूँ। तभी डेंडे भाग कर आता है और पूछता है कि आखिरकार आप इतने तूफान से कैसे बच गए। जहाँ मिस्टर सैटर्न हमेशा की तरह हंसने लगता है, शायद तुम भूल गए हो तुम किससे बात कर रहे हो, दुनिया का सबसे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट। जहाँ वो पूछता है कि तो उस मांजिन बू का क्या हुआ, तब डेंडे ऊपर उंगली कर दिखाता है कि वो उधर है। अब इधर मांजिन बू देख रहा है और हंस रहा है, जो कह रहा है कि सुपर वेजिटो, और जोर जोर से हंस रहा है। ये क्या तुम्हारा नया नाम है? वाकई में बचकाना है। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छे नाम तो बहुत है दुनिया में, सुपर बू, सुपर वेजिटो, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन तुम आंकड़ों को मत भूलो। जहाँ तुम्हारे पास दो सेंस हैं और मेरे पास तीन, और नेमेक को तो मैं गिन भी नहीं रहा हूँ। वेजिटो कहता है कि यहाँ पर संख्या नहीं, क्षमता चाहिए दोस्त, और वैसे भी मैंने कुछ चुरा के नहीं ली है ये सारी ताकत। जहाँ पर तुम्हें लगता है कि इन घटिया चालों से तुम जीत सकते हो, तो साबित करके दिखाओ, इधर आओ। बहुत बोलते हो तुम, लेकिन आज के बाद तुम किसी के साथ नहीं बोल पाओगे। और मांजिन बू हमला कर देता है। अब वो चार पांच बार वार करता है, और वो जितने भी वार करता है सुपर वेजिटो नॉर्मली डॉच करता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो पीछे से आगे जाता है और एक ब्लास्ट फेंकता है, तब वेजिटो का ध्यान नहीं रहता, लेकिन वेजिटो पलट कर उसे मुक्का मार देता है और उस ब्लास्ट को सीधा मांजिन बू की तरफ फेंकता है। मांजिन बू अपना सिर नीचे लेता है और उस वार से बच जाता है, जहाँ पर सुपर वेजिटो गायब होता है और सीधा उसके फेस पर एक लात दे मारता है नीचे से, और कहता है कि आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी भी हार मान लो, हे तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, साफ कर लो, बहुत ही बचकाने लग रहे हो तुम। अब मांजिन बू उस खून को साफ तो करता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा गुस्से का पारा बढ़ते जा रहा है, और ये सब के लिए एक धोखा ही है, क्योंकि इससे मेरी पावर बढ़ जाती है। अब पहले वो मुक्का, फिर लात और फिर एक भूसा, इस वजह से वो वेजिटो को नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। फिर जैसे ही वो गिरता है, वैसे ही कंटिन्यू उसके ऊपर छोटे छोटे ब्लास्ट करने लगता है मांजिन बू। इधर डेंडे और मिस्टर सैटर्न देख रहे हैं, जहाँ डेंडे कहता है कोई नहीं बच सकता है ऐसे हमलों से। जहाँ मांजिन बू नीचे आता है, और इधर वेजिटो जो है वो नीचे से ऊपर आता है पानी से, और कहता है कि तुम इसे बुरा कह रहे थे, तुम तो निशाना भी नहीं लगा सकते, अब ध्यान से देखना ये काम कैसे किया जाता है। और वेजिटो अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है मांजिन बू की तरफ, जहाँ मांजिन बू कुछ समझ पाए उसके पहले ही उसके ऊपर हमला हो जाता है। जहाँ पर मिस्टर सैटर्न खुशियां मनाते हैं खड़े होकर, तो उनके ऊपर एक पत्थर आकर ही गिर जाता है। अब ये जो वेजिटो का ब्लास्ट है, ये अर्थ के बाहर जाकर फटता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टुकड़े टुकड़े में बिखर चुका है ये मांजिन बू। जहाँ वेजिटो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो। जहाँ वो सारे मास के गोले एकत्रित होते हैं और बन जाता है मांजिन बू फिर से, बस मुझे अब कुछ भी करके इसको हराना ही है, उसको मारना ही है। अब वेजिटो उसके सामने आता है, तो उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि उसके अंदर से भाप बाहर निकल रही है। जहाँ धुआं बढ़ने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम तभी मारोगे ना जब मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। अब धुएं के अंदर छिप चुका है मांजिन बू। वेजिटो कहता है हाँ मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, ये तुमने सही कहा, लेकिन वो गायब होता है और अंदर जाकर मारने लगता है मांजिन बू को। तुम ये कैसे कर सकते हो बताओ मुझे, जहाँ तुम्हारे जो स्किल्स है, जो टेक्निक्स यूज कर रहे हो, उसमें तुम खरे नहीं उतर पा रहे हो,
इस वजह से, जहाँ पर तुम्हें सिर्फ आँखें ही नहीं चाहिए होती है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है लड़ने के लिए। जहाँ मार्जिन बू कहता है ठीक है, इसका भरपाई तो तुमसे करूँगा ही मैं। जहाँ अब वो मारने जाता है, वैसे ही वेजिटो उसे एक लात मारता है, फिर वेजिटो को एक लात मारता है तो वेजिटो उसको पकड़कर सीधा सुपर सैयन बनकर नीचे फेंक देता है। इधर सुप्रीम काय के प्लैनेट पर सुप्रीम काय कहते हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो लोग फ्यूजन करके इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो ये तो अब इजीली हरा सकते हैं मार्जिन बू को। ओल्ड काय कहते हैं कि तुम क्या पागल हो क्या, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि इस दुनिया के सबसे दो बड़े फाइटर जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो अगर मिल जाए तो वो इतनी आसानी से तो हरा ही पाएंगे, जो कि इस दुनिया के तो बेस्ट फाइटर है ही और शायद से और कई दुनिया में भी होंगे। सुप्रीम काय कहता है कि सॉरी ओल्ड काय, मुझसे गलती हो गई, लेकिन हाँ मैंने अब तक उसे हारते हुए कभी नहीं देखा और अब देख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इतना रिलीफ मिल रहा है मुझे। अब इधर ये वेजिटो जो है वो उसी जगह पर फिर से एक ब्लास्ट करता है जो कि रे होती है उसके हाथ से निकलने वाली, जिससे वो उसको पहाड़ के अंदर से ऊपर उठाता है और कहता है कि अब तो हार मान लो बू। इधर हम देखते हैं क्रिलिन को, जिसने पीठ पर हाथ रख दिया है किंग काय की, जहाँ क्रिलिन कह रहा है कि वाकई में वो हरा रहा है और ये दोनों मिल चुके हैं, इस वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से धो रहे हैं वो। जहाँ पर किंग काय कहते हैं हाँ ये तो बात सच है। जहाँ क्रिलिन पूछता है कि मेरा और यामचा का कुछ यूज ही नहीं है अगर गोकू और वेजिटा उसे हरा रहे थे। जहाँ किंग काय कहते हैं हाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। जहाँ क्रिलिन कहता है क्या अब हमें नीचे नहीं भेजा जाएगा क्योंकि हम मार्जिन बू से नहीं लड़ सकते। जहाँ किंग काय कहता है अरे ऐसी फुलिश बातें करना बंद कर दो, तुमने इस ब्रह्मांड को कितनी बार बचाया है तुम्हें भी पता नहीं है। जहाँ पर मैं ग्रैंड काय से बात करता हूँ और तुम्हें कोई परमानेंट पोजीशन देने के लिए कहता हूँ, जहाँ तुम काम में आ सकते हो नेक्स्ट टूर्नामेंट के, जो कि यही पर होने वाला है। जहाँ धन्यवाद करता है क्रिलिन किंग काय का। जहाँ क्रिलिन अब यामचा को ढूंढता है क्योंकि वो अभी यही पर खड़ा था लेकिन अब गायब हो चुका है। जहाँ क्रिलिन देखता है कि यामचा अभी भी फाइट कर रहा है, जो कि ट्रेनिंग कर रहा है दो फाइटर के साथ लड़कर। जहाँ यामचा बढ़ाई करता है उनको मारने के बाद और कहता है कि क्रिलिन तुमने वो देखा, वो लोग मुझे छू भी नहीं पाए और मैंने उनको धूल चटा दी। अब मुझे पता नहीं इस जगह की क्या खासियत है, ये कौन सी जगह है, लेकिन इस वजह से मैं थोड़ा पंप अप तो हुआ हूँ, मेरे स्किल्स तो थोड़े चेंज हुए हैं। क्रिलिन कहता है कि जहाँ अर्थ पर ये स्टार क्या ये कुछ भी नहीं था और यहाँ पर ये स्टार बनकर घूम रहा है। इधर हम देखते हैं वेजिटो को, जो कि अभी भी लेजर मारे जा रहा है मार्जिन बू के बॉडी के अंदर। जहाँ वो कहता है कि क्या हुआ अब तुम क्या हार मानोगे। जहाँ तुम्हें पता है कि तुम भाग नहीं सकते क्योंकि मैं इस अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। मैं क्या वैसे ही हंट करूँ तुम्हें, वैसे ही मार दूँ जैसे तुमने मेरे दोस्तों को मारा है, क्या कहते हो, तुम्हें क्या इससे दर्द होगा। जहाँ मार्जिन बू चिल्लाता है, घूमता है और नॉर्मल बन जाता है, जो कि उस ब्लास्ट से बाहर आ चुका है। जहाँ वेजिटो हंसता है तभी मार्जिन बू कहता है कि मैं तुम्हें अभी वॉर्न कर देता हूँ, मुझे पागल मत बनाओ, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ, और वो चिल्लाने लगता है। जहाँ पलक झपकते ही मार्जिन बू पतला होकर सीधा ही लिक्विड फॉर्म में घुस जाता है वेजिटो के मुंह के अंदर, जहाँ वेजिटो अभी फूल चुका है। जहाँ मार्जिन बू अंदर से आवाज देता है कि मैं अब तुम्हारे अंदर हूँ और तुम्हें जितनी ताकत चाहिए थी उससे कई ज्यादा दे चुका हूँ, अब तुम मुझे मारने की सोचोगे और मैं तुम्हें अंदर से मार दूंगा, और वो हंसने लग रहा है। जहाँ वेजिटो हंसता है और कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, मैं क्या बालक बुद्धि हूँ, और वेजिटो जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी एनर्जी और बढ़ाता है सुपर सैयन बनकर। वो इतनी बढ़ाता है कि वो नॉर्मल हो चुका है अब। अब मार्जिन बू उसके किसी भी शरीर के हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वहां पर वेजिटो उसे मार रहा है, पहले कंधे पर, फिर हाथ पर, फिर पैर पर भी, जहाँ उसे बहुत तेज तेज लग रही है। जहाँ पर पीठ के बल गिरकर वेजिटो ने उसे मार दिया है। अब उसे लगने के बाद वो कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो पूरा कंट्रोल तुम्हारे ऊपर होना चाहिए ना, तो तुम ये कैसे कर पा रहे हो। ये एकदम सिंपल बात है, मैंने मेरी एनर्जी इतनी बढ़ा दी कि तुम्हें मेरी बॉडी के अंदर लॉक कर दिया, अब तुम जब तक मेरे अंदर हो तब तक तुम मेरे कंट्रोल में हो, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी तो तुम वहीं पर रह सकते हो। लेकिन वो मुंह से बाहर निकल आता है, बस मैंने कुछ जला भुना खाया था, बस उतनी ही टेस्ट लग रही है मुझे, लेकिन हाँ अब तुम मुंह से बाहर निकल चुके हो तो मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या कोई पागल हूँ, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। अब मार्जिन बू जोर से चिल्लाता है और उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वेजिटो भी हिल जाता है जो ऊपर देखता है। तब मार्जिन बू कहता है उसे कि तुमने एक पागलपन किया है जो कि है मुझे इस एविल लेवल पर
लेके गए हो, जहां हम देख सकते हैं मानजिन बू की आंखें लाल हो चुकी है। जहां वो चिल्लाते जा रहा है तो आसपास की चीजें भी टूट रही है। जहां वेजिटो कहता है हाँ करो ट्राई, तुम्हें जितना करना है उतना करो। जहां वो चिल्लाता है तभी डेंडे कहता है कि अब मानजिन बू आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जहां डेंडे कहता है कि हाँ वही ये एनर्जी है जो कि हाइड्रोबोलिक टाइम चेंबर से उसे बाहर निकाल चुकी थी, वो इतना ज्यादा पावरफुल अब बन चुका है। जहां हम उस टाइम का कुछ चीजें भी देखते हैं कि वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, जिस वजह से पोर्टल खुला और वो बाहर आ गया। जहां मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो ऐसी चीजें उसकी एनर्जी में जो कि डायमेंशन का डोर खोल देती है। देखो इधर आकर, मिस्टर सैटर्न भी आकर देख रहे हैं, जहां पर अगर वो उतना ज्यादा पागलपन करेगा तो वो फिर से डोर खोल लेगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है इस पूरे यूनिवर्स के लिए। जहां वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में डोर खोलते जाएगा और जिससे ये बैलेंस से यूनिवर्स स्टेबल रहने का वो कोलैप्स हो जाएगा। जहां मानजिन बू चिल्लाता है कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया और कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता है, और वो चिल्लाने लगता है। जहां वेजिटो देखता है तब हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी की वजह से कुछ कुछ जगह पर होल हो चुके हैं बादलों को। जहां वेजिटो कहता है क्या वो क्या ऐसे होल करके अपनी एनर्जी एकत्रित करेगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, ये होने से पहले उसे रोकना पड़ेगा। वेजिटो उड़ जाता है। अब मानजिन बू चिल्लाया जा रहा है, तभी वेजिटो आता है उसे मुक्का मारने के लिए, लेकिन वो अंदर उसके पास जा ही नहीं पाता क्योंकि उसके आसपास जो गोला बना हुआ है वही वेजिटो को रोक रहा है अंदर जाने से। बहुत सारा जोर लगाने के बाद भी वेजिटो उसके पास नहीं जा पा रहा है। जाओ चिल्ला रहा है कि ये बंद करो, लेकिन मानजिन बू रुकता नहीं है। जहां पर उसकी एनर्जी बढ़ते जा रही है तभी वेजिटो सुपर सैयन बनकर उसके एनर्जी के अंदर जाकर उसे फेस पर एक मुक्का मार देता है, जिससे मानजिन बू नीचे गिरता है। इधर जहां काले बादल आ चुके थे उसमें होल हो चुका था, वो नॉर्मल हो चुके हैं। जहां मानजिन बू कहता है अभी पानी से निकलकर कि वो जीत चुका है और मैं यहाँ हार चुका हूँ। जहां वेजिटो कहता है इससे तुमने कुछ सीखा तो होगा ही ना कि मुझे कोई बीट नहीं कर सकता, समझे ना। इधर वेजिटो हंसता है, तभी इधर ओल्टा कह रहे हैं कि अब क्यों वो रुका है, अब मत रुको, उसे खत्म कर दो, अब ये लड़ाई बहुत ही डार्क हो चुकी है। जहाँ अभी मानजिन बू हार चुका है लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी है। जहाँ वो उठकर अभी गुस्से से देख रहा है वेजिटो को, तो क्या आखिरकार वेजिटो इसको दुनिया तबाह करने से रोक पाएगा, जानने के लिए हमें देखना होगा ड्रैगन बॉल जी का अगला एपिसोड। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।